गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। ओके। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। So let's start today's session. Today we discuss about importance of exercise and healthy food, so we can stay fit and live. Thank you, ma'am. What is the actual meaning of exercise? हम सभी को लगता है कि हम जिम में जाएं और वर्कआउट करें, ये एक्सरसाइज होती है. But actual meaning क्या है एक्सरसाइज का? वो हम पहले जान लेते हैं, फिर हम इसके importance in our life जानेंगे. एक्सरसाइज का मतलब होता है बॉडी एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी से आपका मसल मूव हो और साथ ही साथ आपकी कैलोरीज बर्न हो. बॉडी एक्टिविटी किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे कि डांस या रोपिंग करना एट होम, क्योंकि इस समय कोविड का टाइम है तो हम बाहर नहीं जा सकते वॉक के लिए, तो हम घर में ही कुछ ऐसा ढूंढें जो हम 20 मिनट्स दें और हम लोग अपना वर्कआउट कर लें, जिससे हमारी फिजिकल एक्टिविटी बनी रहे. तो ओवरऑल अगर हम वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, ओवरऑल अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, तो इसका मतलब होता है हेल्थ और वेलनेस, कि हम अपना फिजिकल फिटनेस मेंटेन रखें. स्वाति मैम, कैन यू चेंज दिस स्लाइड? नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस. अब एक्सरसाइज हम करेंगे और वो भी रेगुलर, तो हमारी हेल्थ इम्प्रूव होगी, साथ ही साथ जो हमारी रिस्क है जो डिजीजेस की वो भी कट डाउन होगी. जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल हम लोग अपना कंट्रोल कर सकते हैं, जो डायबिटीज टाइप 2 होता है उसको हम रेगुलर एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारा वेट मैनेजमेंट है वो भी हम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं. तो एक्सरसाइज हमें तुरंत तो नहीं देती फायदा, लॉन्ग टर्म में देती है. कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि बटन दबाया, एक्सरसाइज की बटन दबाया और वेट लूज हो जाए और हमारी हेल्थ डिजीज की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो शॉर्ट आउट हो जाए. ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसको हमें कंटिन्यू करना होता है, और कंटिन्यू करते करते इससे हमें बड़े फायदे होते हैं, यानी बहुत सारे फायदे होते हैं. जैसे कि हमें बहुत अच्छा लगता है, वी फील गुड, वी लुक बेटर, इवन लिव एक क्वालिटी लाइफ. हम एक्सरसाइज अगर हम रेगुलर करते हैं तो एक क्वालिटी लाइफ हम अपनी जी सकते हैं. ओके मैम, इज द नेक्स्ट स्लाइड. फर्स्ट पॉइंट है बेटर मूड. एक्सरसाइज हमें हैप्पीनेस देती है, यानी हम फील गुड होते हैं, बहुत खुशी मिलती है हमें. ये क्यों मिलती है? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो अपने आप को हम किसी चीज में व्यस्त रखते हैं, हमेशा सोचते नहीं रहते. एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में एक एंड्रोफिन नाम का केमिकल क्रिएट होता है, बॉडी नहीं सॉरी ब्रेन में. वो जो केमिकल है वो हमारी एक फील गुड वाली केमिकल है, यानी अगर वो एक्सरसाइज करोगे तो एंड्रोफिन केमिकल क्रिएट होगा और वो हमें खुशी देगा. नेक्स्ट पॉइंट है गुड स्लीप. गुड स्लीप, जैसे कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हम थक कर अच्छे से सो जाते हैं. अगर हम अच्छे से सो जाते हैं तो जैसे हमारी प्रॉब्लम होती है स्ट्रेस की, वो दूर होगी. कैसे? क्योंकि हमारा माइंड एज वेल एज हमारी बॉडी एक्सरसाइज करने से थक जाती है और थक कर हम सो जाते हैं. अब जब हम सोएंगे तो हमारी बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स होंगे और हमारी अच्छी नींद, यानी जो हम कहते हैं 8 आवर स्लीप, वो कंप्लीट हो जाएगी. तो उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो दूर होती हैं, जैसे कि हमारा स्ट्रेस. हम एक्टिव रहते हैं मॉर्निंग में, अगर हम अच्छी नींद लेते हैं मॉर्निंग में, एक्टिव रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं और अपने दिन की अच्छी शुरुआत करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. पार्टिसिपेंट्स प्लीज, पेरेंट्स आप अपने माइक म्यूट कर लीजिए आप, ताकि डिस्टर्ब ना हो मीटिंग.
थैंक यू सो मच। जो स्लीप होती है नाइट की वो प्रॉपरली लेनी चाहिए, वो होती है हमारी 8 आवर्स की। सो हमें 8 आवर्स अगर हम स्लीप नहीं करेंगे तो हमें एनर्जी नहीं आएगी। सो हमें मिनिमम 8 आवर तो रहना ही चाहिए स्लीप में, मतलब रात में हमें प्रॉपरली अगर स्लीप करेंगे तो हम एनर्जेटिक रहेंगे, हमारा ब्रेन प्रॉपरली स्लीप होगा। अगर प्रॉपरली स्लीप नहीं होगा सो वो सर्कुलेट नहीं कर पाएगा ब्लड को। सो उसकी वजह से हमें एनर्जी, थोड़ा एंजाइटी भी हो जाती है, टाइटनेस होती है, स्ट्रेस हो जाता है हमें, तो हम एनर्जेटिक नहीं रहते। सो मेन चीज है हमें सोना। सो दैट इज द मेन थिंग, हैव टू स्लीप। सो अगर हम स्लीप करेंगे प्रॉपरली तो देन वी हैव अ मोर एनर्जी। और कॉन्फिडेंस की बात करूं, सो अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं तो हमारी जो बॉडी की फिजीक है वो हमें फिट रहती है। सो उससे हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा। अगर हम बॉडी फिट नहीं है तो वी आर नॉट बूस्टेड। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं सो मेन चीज़ है हमारी बॉडी वेट लूज करेगी, उससे हमारी फिजिक ठीक होगी, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेंटली स्ट्रांग होंगे हम, जो हमारी ऑक्सीजन लेवल है, ब्लड फ्लो है, पूरे में अच्छे से जाएगा। सो और अच्छे से सोच पाएंगे। सो वही है कि हमें अपनी बॉडी फिट रखनी है ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है सर, लेस स्ट्रेस हो हमें, अगर हम प्रॉपर अपना ब्रेन को यूज करना चाहते हैं तो फिर हमें प्रॉपरली 8 आवर्स सोना चाहिए ताकि हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपरली वर्क कर सके। और वर्क करने के लिए हमें प्रॉपर सोना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्सरसाइज काम योर बॉडी एंड योर ब्रेन, तो वो हमें काम करेगा। जो हमारे हार्मोन्स हैं, जो बनते हैं हमारे डेली हार्मोन्स, उसका जो लेवल है स्ट्रेस लेवल, उसको कम करेगा। सो उससे हमें एंजाइटी, जो एंगर होता है हमें, वो दूर होगा हमारा, और हमारी प्रोडक्टिविटी, थिंकिंग पावर भी बढ़ती है। अगर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं तो हमारी थिंकिंग पावर बढ़ेगी, हम अपने आप को, जो इम्यून सिस्टम है या जो हमारी मसल्स है वो इंक्रीज होगी हमारी। सो उससे हमारा जो अंदर की बॉडी है वो भी स्ट्रांग होगी, तो हम ज्यादा सोच पाएंगे, काम ज्यादा कर पाएंगे उससे। अगर हम काम ज्यादा कर पाएंगे तो हम, ये है कि हम सेटिस्फाई हो, हमने अपना पूरा काम किया। सो वो चीज हमें करनी चाहिए। मेन चीज है एक्सरसाइज में वेट कंट्रोल। अगर हम एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं सो हमें वेट कंट्रोल में, ओबेसिटी में हेल्प करता है वो। मेन चीज तो हमारा यही है कि ओबेसिटी हमारी कंट्रोल रहती है। ठीक है, उससे अगर ओबेसिटी कम कंट्रोल है तो रिस्क जो होता है डिजीज का वो कम हो जाता है। जैसे हमारे ब्लड शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होता है, वो हमारा कंट्रोल हो जाता है उस चीज से। अगर ओबेसिटी नहीं है, सबसे ज्यादा अभी प्रॉब्लम क्या आती है हमारी लाइफ में, ओबेसिटी की है। ओबेसिटी नहीं होगी तो हमें ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा, शुगर भी नहीं होगी जिससे हमें इंसुलिन लेने पड़े, तो वो चीज़ हमें अवॉइड करनी होती है। दूसरी चीज़ कि अब हमारा क्या होता है, फैट लेवल कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, तो हमें वो भी कंट्रोल करना है एज अ 8 मील्स के आवर में। 5 मील्स ले सकते हैं हमें डे, अगर लेंगे हम तो उससे भी हमारी वेट कंट्रोल हो सकता है, हम अपने इंचेस कम कर सकते हैं। अगर इंचेस कम होंगे तो एक्सरसाइज कर रहे हैं हम रेगुलर, एज हमारी बॉडी मेंटेन है, सो हमारे स्किन पे ग्लो आता है, वो चीज भी बहुत अच्छी है हमारे लिए। और आप लॉन्ग लाइफ तक रह भी सकते हैं एज अ रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, तो कैन बी एड इयर्स टू योर लाइफ, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बेटर होगा हमारा
तो वो आपको बहुत खुशी देगा, एनर्जी रहेगी आप में। एरोबिक एक्सरसाइज करें या फिर नॉर्मल आप जैसे मैम ने बताया रोपिंग करें, सो उससे आपको एनर्जी मिलेगी। तो वो चीज हमें करनी है, हमें प्रॉपर स्लीप लेनी है, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना कि नहीं, हमें अपने आप को रेस्ट नहीं देना। इवन हमें जैसे देखते हैं बेस टाइम आप बैठे रहते हैं हमेशा कंप्यूटर के आगे या टीवी के आगे, तो वो चीज़ हमें अवॉइड करनी है। हम जब तक उस चीज़ को अवॉइड नहीं करेंगे, आप 10 मिनट्स के लिए तो अवॉइड कर ही सकते हो उस चीज़ को ताकि हमारा वेट लूज हो, तो वो चीज़ हमें करनी है जिससे हमारी जो हार्ट प्रॉब्लम्स है, रिस्क ऑफ डिजीज है, वो हमारी जो प्रॉब्लम जितनी भी आती है हमारी लाइफ में, वो मेन चीज़ है हमारी विदाउट एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वी आर फुली मेंटेन, हम अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं प्रॉपरली, और अपनी थिंकिंग पावर बढ़ा सकते हैं हम, हमारी ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा रहेगा, उससे ब्लड फ्लो भी अच्छा होगा, हार्ट रेट की जो प्रॉब्लम्स होती है हार्ट की वो भी कम होगी, ठीक है। और मेन चीज क्या होती है हमारे, हम फिजिकली वी हैव टू फिट, और हमें मेंटली थोड़ा सा शार्प होना चाहिए, इमोशनली बैलेंस्ड होना चाहिए हमें, ठीक है। सोशली हम एडजस्ट कर पाए, अपने जो वर्क है हम उसको एडजस्ट कर पाए सोशली। और मेन पार्ट हमारा होता है ब्रेन। इफ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द योर ब्रेन ना कि हमें एक्सरसाइज करनी है तो हम वो चीज करेंगे। यू हैव टू टेक एटलीस्ट अ डे 10 to 15 मिनट इनफ कि हम यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी भी मेंटेन रहेगी उस चीज से। तो वो चीज इवन वी हैव टू ट्राई, हमें एक बार ट्राई तो करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो मैंने बताया हमारा जो टाइम चल रहा है, इससे अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है सो फिर हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें सबसे पहले अपना एक्सरसाइज करके अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है हमारा, कार्डियो वेसल होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, तो वो हमें पहले स्ट्रांग करना है, अपना एनर्जेटिक भी रहना है हमें एक्सरसाइज से। क्योंकि जैसे मैं स्कूल में बच्चों को ताइक्वांडो कराती थी तो बच्चे बहुत एनर्जेटिक रहते थे उस टाइम पे। क्यों रहते थे? क्योंकि जो हमारे मेटाबॉलिज्म होते हैं वो कम होते हैं, और कुछ चीजें हमारे हार्मोन्स डेली बनते हैं एक्सरसाइज से। तो अगर जिस टाइम पे अगर आप एक्सरसाइज छोड़ दो, एज अ 5 डेज भी कर रहे हो, वेरी गुड, बट हमें इन अ डे फ्रिक्वेंटली करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए फ्रिक्वेंटली एक्सरसाइज कि आज आपने कर ली फिर हम करेंगे संडे को। तो वो गैप आपको, जो बीच में गैप होगा ना, अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो तो वो तो गैप ना, नहीं हमें गैप नहीं करना, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी, तो वो आपको अंदर से फीलिंग आएगी उस चीज की। तो वो चीज हमें थोड़ी सी अवॉइड करनी, एक्सरसाइज में गैप ना करें, हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, हमें फिजिकल अपनी फिजिक जो है वो ठीक करनी है, हमें फिट रहना है, अपने आप में फिट रखना है। जो हमारी एंटी ऑक्साइड होती वो चीज हमारी दूर होगी। सब और एक मेन चीज क्या आती है कि आप रेगुलरली एक्सरसाइज जब नहीं करते हैं सो आप बहुत ज्यादा टायर्डनेस फील करते हैं। अगर एक्सरसाइज करेंगे आप, जैसे हम अभी आगे स्लाइड्स में बात करेंगे कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे सो क्या होगा, आप बूस्ट रहेंगे हमेशा अपने आप में। इवन आप अपने आप हमेशा टाइटनेस के हम बैठे हुए नहीं, आप भी बोलेंगे नहीं मैं कर सकता हूँ वो काम। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को जो एक्सरसाइज से आपके जो हार्मोन्स बने हैं, जो आपके अंदर के जम्स, जो डेड जम्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट डेली हमारे जनरेट होते हैं, सो वो चीज़ हमारी ख़त्म होगी तभी हम अपने आप को बूस्ट कर पाएंगे। तो हम रेगुलर एक्सरसाइज से हमारी जो मसल्स मूव होती है वो हमें करनी है इवन डेली, जैसे मैंने बताया डांस करके करो या फिर आप रोपिंग करके करो, तो वो चीज हमें करनी है, ठीक है। नाउ ज्योति मैम, ओवर टू यू। ओके मैम, थैंक यू मैम। कैन यू चेंज द स्लाइड मैम?
या शॉल में। आप जैसे स्लाइड में देख रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। क्या बेनिफिट्स होते हैं एक्सरसाइज करने? एक्सरसाइज एक रेगुलर एक्सरसाइज अगर हम अपनी हैबिट में डाल दें, अगर हम अपनी हैबिट बना लें रेगुलर एक्सरसाइज करने की, तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो स्टेबल रहता है, यानी हमारा बीपी हाई या बीपी लो की जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। हमारी हेल्दी हार्ट होता है, हार्ट जो होता है हमारा हेल्दी होता है। हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, हमारा मूड बहुत अच्छा होता है। जैसे स्वाति मैम ने कहा ओबेसिटी, जो आज कल की जनरेशन हमारी फेस कर रही है ओबेसिटी की प्रॉब्लम, और साथ ही साथ इस कोविड में हम अपने घरों में रहे हैं काफी दिनों तक, तो उस दौरान हम अपने घर से बाहर नहीं निकले और बच्चों की तो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो है, क्योंकि बच्चों को अगर क्लासेस लेनी है तो वो भी मोबाइल से घंटों बैठ के उन्हें लेनी ही होगी। तो उस फिजिकल एक्टिविटी या उस चीज को ओवरकम करने के लिए अगर हम अपने बच्चों को 20 मिनट्स के लिए भी बोलें बेटा आप डांस कर लो या आप रोपिंग कर लो, तो उस चीज से उनको क्या क्या फायदा होगा। उस चीज से उनका ब्लड प्रेशर, गुड मूड, ओबेसिटी, हमारे बोन्स, हमारे मसल्स, हमारे अंदर एक बैलेंस आएगा, हमारी बॉडी में एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। और बहुत सारी जो हमने अभी राइट नाउ हमारी जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं उनको हम ओवरकम कर पाएंगे। हम हमेशा एक्टिव रहेंगे और हमारी मसल स्ट्रेंथ हमारी इंप्रूव होगी, हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, हमारा जो स्टेमिना है वो इम्प्रूव होगा। स्टेमिना इम्प्रूव होगा यानी आप में काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। आप काम करेंगे, काम करने की क्षमता के साथ साथ आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क भी बढ़ेगी, क्योंकि आप फिजिकली और मेंटली एकदम फिट रहेंगे। कैन यू चेंज द स्लाइड मैम? नाउ वी कैन सी एसेंशियल एक्सरसाइज ऑन एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज। जैसे अब बच्चे घर में हैं तो हमें एक्सरसाइज, कुछ ऐसी एक्सरसाइज होगी कि जो हम घर में कर सके या बच्चों को हम करवा सके, क्योंकि ऐसा बच्चे अब नॉर्मली क्या है मोबाइल में रहते हैं या फिर टीवी खेलते तो बाहर नहीं है, मोबाइल देखते या टीवी देखते, तो वो चीज हमें थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। हम एक्सरसाइज थोड़ी सी अब देख लेते हैं कि हमें घर पे हैं तो हम एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए। नॉर्मली हमें सबसे पहले हमारी स्ट्रेचिंग होती है एज अ बेसिक जो एक्सरसाइज का है, वो है स्ट्रेचिंग। अगर हमारी बॉडी स्ट्रेच प्रॉपरली है तो बॉडी में एक होते ना क्रम्प्स नहीं आते, कहीं पे आप पैर थोड़ा सा सुन्न हो जाता है या फिर वैसे, तो वो चीज हमें स्ट्रेचिंग से दूर कर सकते हैं। तो वो चीज हमें सबसे पहले करनी है। अगर कुछ भी आप वर्कआउट कर रहे हो या अपने लिए डेली इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो, इंटेंस वर्कआउट का मतलब बहुत ज्यादा हैवी वेट अगर होता है किसी के घर में तो आप वेट उठा रहे हो या आप डेली 1 आवर एक्सरसाइज कर रहे हो, तो सबसे पहले हमें स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं फॉर दी बिगनर्स की होती है स्ट्रेचिंग, जैसे आप प्लैंक होता है, प्लैंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सरसाइज की, क्योंकि अगर आप प्लैंक भी 1 मिनट बना लेते हैं ना तो वो बैलेंस करता है आपकी बॉडी को। अगर आपकी बॉडी एक जगह स्टे रह सकती है ना तो आपका माइंड भी कॉन्सेंट्रेट हो सकता है एक पोजिशन पर, आप एक तरफ सोच सकते हो, थिंकिंग पावर बढ़ेगी, ठीक है। फिर आपका ये ब्रिज है, कैट पोज है आपका, सो वो चीज हमें करनी है, ठीक है। जैसे हमारा स्ट्रेचिंग जैसे साइड में है आपकी हिप की स्ट्रेचिंग होती है, अपर आर्म्स की स्ट्रेचिंग होती है, ट्राइसेप्स की होती है हमारी, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग भी होती है। सो अगर आप नॉर्मली फॉर 5 मिनट्स अगर स्ट्रेचिंग भी करते हैं ना तो आप पूरे दिन बहुत ज्यादा रिलैक्स रहेंगे, ठीक है। सो हम जब भी हम स्कूल में जैसे वर्कआउट करते थे तो हम सबसे पहले स्ट्रेचिंग करते थे, क्यों? क्योंकि वर्कआउट करने से पहले स्ट्रेचिंग सबसे मेन पार्ट होता है। जैसे मैंने बताया क्रम्प्स आ जाते हैं बॉडी में, बॉडी एक तरफ बहुत ज्यादा
सुन हो जाती है, वो हिलता नहीं है पैर, सो वो चीज हमारी जो प्रॉब्लम है वो दूर होगी, ठीक है, हम बूस्ट हो जाएंगे स्ट्रेचिंग करके, आप भी आगे हमें एक्सरसाइज करनी है, सो वो चीज। एक होता है हमें रात में नींद नहीं आती, क्यों? क्योंकि आप क्या करते हैं, आपका माइंड जो है वो स्ट्रेस आउट नहीं है, सो अगर आप कुछ योगा पोजेस है वो करेंगे तो आप स्ट्रेस आउट रह भी सकते हैं। एंड वन थिंग मोर कि अगर आप स्ट्रेस आउट हैं तो आप रात में सो भी पाएंगे। सोने के लिए कुछ मैंने एज अ स्क्रीन आप देख रहे हैं कुछ पोजेस लगाए हैं, हीरो पोज है, चाइल्ड पोज है, अपर वर्ड डॉग है, सो दीज आर सम पोजेस यू हैव टू गुड स्लीप एट नाइट, कि आपको गुड स्लीप मिलेगी। एंड मेन थिंग कि आपको 8 घंटे सोना ही सोना है, क्योंकि हमारी जो एज अ डॉक्टर्स ने भी बोला है कि 8 आवर्स की स्लीप होती होती है, 8 आवर्स से कम तो मे बी शायद नहीं होती, जिसकी आई थिंक सो मिनिमम 6 भी होती है किसी की, बट 8 आवर्स हमें सोना ही सोना चाहिए। सो अगर वो आपका है तो आप सबसे नहीं आ रही है तो आप थोड़ी सी योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, रोपिंग कर सकते हैं आप, या नॉर्मली म्यूजिक चला के इवन डांस भी कर सकते हैं आप। सो अगर वो चीज करेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगी वो चीज। एंड एक चीज होती है मैम, अगर आप एक्सरसाइज बता रहे हैं तो फिर हमें खाना भी बताइए कि हम एक्सरसाइज के साथ खाना क्या खा सकते हैं, क्योंकि मेन चीज हमारा क्या होता है, खाना हम क्या करते हैं, नॉर्मल जो हमारा चल रहा है खाना, जो हमारा फूड होता है नॉर्मल वही खाते रहते हैं, तो हमें टाइटनेस फील होती है उस चीज से, टेबल का तो एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, सो फिर हमें अपना जो फूड है वो भी प्रॉपरली लेना, मल्टी ग्रेन्स लेने चाहिए, इसके बारे में ज्योति मैम बताएंगी। ज्योति मैम ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गेट फिट एंड हेल्दी, एक्सरसाइज करना एक गुड हैबिट है, लेकिन उस गुड हैबिट के साथ यदि हम अपने खाने में एक हेल्दी फूड भी इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो हेल्प करता है हमारी एक्सरसाइज को वर्कआउट करने के लिए। कहने का मतलब है यदि हम एक्सरसाइज करते हैं और साथ ही साथ हम कुछ जंक फूड खाते हैं तो उस एक्सरसाइज का मतलब नहीं बनता। अब आप एक्सरसाइज करके वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हो, आप स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश कर रहे हो, बट आप हेल्दी फूड नहीं ले रहे हो तो फिर आपकी एक्सरसाइज जीरो हो जाती है। कहने का मतलब यदि हम एक्सरसाइज के साथ साथ हेल्दी फूड को भी अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करें तो एक्सरसाइज की जो बेनिफिट होते हैं वो हमें ज्यादा मिलते हैं। तो अभी हम देखते हैं, कैन यू चेंज दिस स्लाइड मैम। ये हमारे हेल्दी फूड्स हैं, जैसे आपकी हम कहते हैं ना कलरफुल वेजिटेबल्स, हमें लीफी वेजिटेबल्स अपने फूड में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए ताकि फाइबर मिले, नट्स हमें यूज करनी चाहिए, आजकल मिलेट बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, किनुआ, ओट्स, रागी, बाली, ये सब हम लोग अगर अपनी अपनी जो हेल्दी फूड है उसमें अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। एक्सरसाइज करने से हम अपना वेट लूज जो जर्नी है वो कंप्लीट तभी कर पाते हैं जब हम अब उसके साथ एक बैलेंस फूड लें या हेल्दी फूड लें। अब आप एक तरफ एक्सरसाइज कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप जंक फूड जैसे कि कैन यू चेंज द स्लाइड मैम। ओके, जैसे कि जंक फूड आप कोला, बर्गर, चिप्स, नमकीन, टॉफी, चॉकलेट एंड कुछ आते हैं हमारे लॉलीपॉप्स टाइप जैम्स, इन सबको अगर हम अवॉइड करके एक्सरसाइज के साथ साथ अगर हम ये चीजें जंक फूड खा रहे हैं तो हमारी एक्सरसाइज करने का कोई मतलब नहीं बनता। हम एक तरफ तो लूज करने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरफ हम जंक फूड खाकर उसको फिर वही पोजिशन पे ला रहे हैं। तो हमें एक्सरसाइज का अगर फुल बेनिफिट लेना है तो उसके साथ साथ हमें हेल्दी फूड खाना होगा। हेल्दी फूड खाने का रीजन क्या है,
एक्सरसाइज करके हम अपना करंट रेट, करंट जो फैट है वो कम कर रहे हैं, और हेल्दी फूड खा के हम उस जो हमारा जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे हम कोई फैट नहीं ले रहे, हम उससे मल्टीविटामिंस, प्रोटीन, कैल्शियम जो हमारी बॉडी को उस समय ज़रूरत है वो चीज़ें ले रहे हैं, तो उससे हमारा वेट लॉस की जो जर्नी है वो जल्दी हो पाती है। जैसे कि अब हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे पीछे वाली स्लाइड में था एक एप्पल और एक डोनट का, आप डोनट की बजाय एक एप्पल को भी चूज कर सकते हैं कि हमें डोनट नहीं खाना, एप्पल खाते हैं। तो हम अपने बच्चों को प्रेशराइज कर सकते हैं या उनको समझा सकते हैं, बेटा आप ये जो जंक फूड है इसको अवॉइड कीजिए, आप फ्रूट्स खाइए, और साथ ही साथ 10 टू 15 मिनट्स एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि जो एक्सरसाइज है आपके लिए मोर बेनिफिशियल तब होगी जब आप हेल्दी फूड उसके साथ कंज्यूम करेंगे, साथ ही साथ आप उस एक्सरसाइज को इंजॉय करेंगे, तब आपके लिए वो मोर बेनिफिशियल होगी। इट विल बी फन एंड हेल्दी हैबिट, एक हेल्दी हैबिट भी है और एक फन भी है। फन तब है जब आप उस चीज को इंजॉय करेंगे। अब जैसे कि इस स्क्रीन में है कुछ फ्रूट्स हैं, इंची टेप और डंबल्स रखे हैं। कहने का मतलब एक्सरसाइज के साथ आप हेल्दी फूड लीजिए तो आपके इंचेस कम होंगे, आपको गुड स्लीप होगी, आपकी जो बॉडी का जो स्ट्रेस है वो आउट होगा, और हम एक्टिव रहेंगे। जंक फूड खाने से, ऑयली फूड खाने से हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि हमने बहुत पहले एक हेल्थ सेशन किया था वहां पर हमारा स्टैमिना इम्प्रूव होगा। कैन यू चेंज द स्लाइड मैम? इट इज मोर बेनिफिशियल अगर हम अपनी लाइफ में सिट्रस फ्रूट अगर हम लेते हैं तो हमारी वो स्किन के लिए बेटर होता है। और एक बात है, अगर आप रोज एप्पल खाते हैं, एक एप्पल, तो आप डॉक्टर से दूर रहते हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं, एप्पल खाने के साथ साथ हम एक्सरसाइज भी करते हैं। बस हमें अपनी डेली टाइम में हमें क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है और साथ ही साथ हमें हेल्दी फूड खाना है। एक रेगुलर एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक हेल्दी लाइफस्टाइल का, वैसे ही आपका फूड पार्ट है एक हेल्दी लाइफस्टाइल का। जिस तरीके से हम लोग अभी फेस किया है ये कोविड का टाइम, इस कोविड के टाइम में हम लोगों ने बहुत कुछ नया सीखा है, तो हम एक और अच्छी चीज, एक अच्छी हैबिट अपनी लाइफस्टाइल में इंट्रोड्यूस करेंगे एक रेगुलर एक्सरसाइज को करते हुए, जिसकी वजह से हम ये हमारी हेल्प करेगा वेट मैनेजमेंट में, रिड्यूस करेगा रिस्क डेवलपिंग डिजीजेस का, हम अपने मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर पाएंगे, हम एक्टिव रह पाएंगे। कितने सारे बेनिफिट्स हैं अगर हम करते हैं, स्ट्रेस फ्री रह पाएंगे, हमारी बॉडी में स्टेमिना बढ़ेगा, हम एक लाइफ, हम कहते हैं ना लाइफ के कुछ ईयर्स हम ऐड कर लेते हैं अच्छा खा, अच्छा हेल्दी फूड लेकर और एक्सरसाइज कर लाइफ के ईयर्स तो ऐड करते हैं, बट एक क्वालिटी लाइफ भी हम जी पाते हैं, एक क्वालिटी लाइफ भी हम जी पाते हैं। तो स्टेमिना इंप्रूव हुआ, आपकी रेगुलर हैबिट, जो आपकी रेगुलर हैबिट है एक्सरसाइज की, उससे हम लोगों को बहुत सारे बेनिफिशियल। लेकिन इसके लिए ये एक टाइम कंज्यूमिंग यानी एक पेशेंस वाला काम है, यानी हमें सब्र रखना होगा। ये नहीं कि हमने आज एक्सरसाइज करी कल हमारा वेट लूज हो जाएगा, या हमने आज अच्छा खाना खाया कल हमारा जो वेट लूज है उसमें हेल्प मिलेगी या हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल। नहीं, हमें थोड़ा सा वेट करना है। इस प्रोसेस को 4 to 6 वीक तक लगते हैं आपकी बॉडी में असर दिखने के लिए, ये नहीं तुरंत कि बटन दबाया और हम जो हमारा वेट है वो मैनेज हो गया, हम स्ट्रेस फ्री हो गए, हम हेल्दी हो गए या हम डिटॉक्स हो गए, ऐसा नहीं है। इसके लिए टाइम लगता है, यहाँ पे हमें टाइम देना होता है, हमें पेशेंस रखना होता है कि यस हमें करना है, हमें अंदर से एक आत्मविश्वास आता है कि नहीं अगर हम एक्सरसाइज हमें करनी है, हमें आज अपना
वेट लूज करना है, हमें एक्टिव रहना है, हमें अपने माइंड को रिलैक्स करना है, हमें अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, तो उसका क्या तरीका है? आप एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करेंगे तो कहीं कहीं किसी किसी केस में एक्सरसाइज करने से आजकल कैंसर, जो ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है, उस चीज के लिए भी हम प्रिपेयर कर लेते हैं अपने आप को, यानी उस चीज को हम, उस चीज से हम दूर रहते हैं एक्सरसाइज करने से। ओके स्वाति मैम, ओवर टू यू नाउ। एक चीज है जो हमारी एनर्जी होती है स्पेंड बॉडी में, वो तीन तरह से होती है। जब हम खाना खाते हैं, जैसे डाइजेस्ट फूड करते हैं, या एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर जो हार्ट बीट्स है या ब्रीथिंग है हमारी, उसमें भी हमें एनर्जी लगती है, उसमें भी हमारी जो थोड़ी सी कैलोरी बर्न होती है। सो अगर हम प्रॉपर डाइट लेते हैं उसके लिए, हम थोड़ी डाइट ले रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी, इवन 10% नहीं तो 1% हमारी रिड्यूस होती है कैलोरी, ठीक है। सो अगर कैलोरी हमारी लूज नहीं हो रही है तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसमें प्रॉब्लम है। सो हमें सबसे पहले हमें बॉडी का अपना मेटाबॉलिज्म ठीक करना है। वो कैसे ठीक होगा? जैसे मैम ने बताया, हमें प्रॉपरली हेल्दी फूड लेना चाहिए। हमें जो फास्ट फूड है या जंक फूड है, वी हैव टू अवॉइड इट, ठीक है। सो हमें वो अवॉइड करना चाहिए। एक बात है, सोचते हैं कि ग्रीन टी जो होते हैं, हम बोलते हैं कि ग्रीन टी आप शुगर फ्री पिए, क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेन चीज ग्रीन टी में क्या है, मेटाबॉलिज्म रेट कम करने की कैपेसिटी है उसमें, ठीक है। अगर मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का कम है, या हमें लूज करना है थोड़ा सा, या उसको कम करना है, तो हमें ग्रीन टी 1 कप तो हम ले सकते हैं मॉर्निंग के टाइम पे। सो हमें वो चीज़ अपने जो लाइफ में, या फिर मैं डे लाइफ में, हमें एक दिन करना चाहिए, 1 कप तो हम ले ही सकते हैं ग्रीन टी, ताकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो ठीक हो सके, जिससे हम अपना जो हमारी स्ट्रगल है, हमारी लाइफ का जो अंदर चल रहा है स्ट्रगल, वो थोड़ा कम हो, जिससे हम जो रिस्क ऑफ डिजीज है या रिस्क ऑफ प्रॉब्लम्स या अदर थिंग्स का, वो कम हो जाए, हम थोड़े इंप्रूव कर पाए अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। और क्या होता है हमारी बॉडी में, कि जो मूड्स हमारी बॉडी में, वो चीजें भी थोड़ी हमें ठीक होती है। हमारी जो हमारे मूड्स होते हैं, मेन चीज क्या होता है, मूड स्विंग कब आते हैं? चिड़चिड़ाहट या फिर एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस कब आता है? जब आप प्रॉपरली स्लीप नहीं करते, जब आप एक्सरसाइज नहीं करते। अगर आप प्रॉपरली एक्सरसाइज करोगे तो हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन है ब्लड का, वो प्रॉपर होता है। अगर वो प्रॉपर है हमारी बॉडी में, तो आपको ना ही कभी डिप्रेशन होगा, ना ही कभी एंजाइटी होगी। आपको गुस्सा भी आएगा, बट नॉट टू दैट लिमिट। आपको वो एंगर का है, वो कम हो जाएगा थोड़ा। सबको आता है, वो नॉर्मल थिंग है, बट जो एंगर का जो लेवल हाई हो जाता है, वो कम हो जाता है एक टाइम पे, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपके कुछ हार्मोन्स होते हैं, उसका जो रेट है वो कम हो जाता है। दैट्स व्हाई कि हम जो एक्सरसाइज को उसको कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे हमने स्लाइड देखी थी, ये वाली दोबारा इसी पे आते हैं, कि जो हमारा मूड है और जो नाइट स्लीप है, ये दो मेन चीजें हैं। हमारा मूड कब सही हो सकता है? जब हम प्रॉपरली, जो हमारा ब्रेन जब सोएगा, जब वो नहीं सोएगा तो ना हमारा मूड सही हो सकता है, ना ही हम कब डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, ना ही हमें स्ट्रेस आउट हो सकता है। सो दो मेन चीजें तो ये रखनी है, कि हमारा बॉडी का जो मेन पार्ट होता है वो ब्रेन होता है। अगर हमारा प्रॉपरली ब्रेन काम कर रहा है, या रेस्पिरेटरी है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है हमारा, वो काम प्रॉपरली कर रहा है हमारा, सो हमारा मूड भी बहुत अच्छा। सो वो चीज हमें करनी है, ठीक है।
अभी मुझसे क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि मैम ग्रीन टी के लिए पूछा था, तो बेटा जरा ग्रीन टी लोगे सो आपकी जो मेटाबॉलिज्म रेट है, जो फैट के लिए बनता है ना मेटाबॉलिज्म रेट, वो आपका थोड़े लिमिट मतलब जो लेवल है उसका वो धीरे 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 कम होगा। अगर आप उसको खाली पेट लोगे तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है पेरेंट्स? अगर आप तो कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको रिलेटेड टू एक्सरसाइज या फूड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप मैसेज कर दीजिए प्लीज। एक्सरसाइज से हमारा स्टेमिना भी इंक्रीज होता है, जैसे अब बच्चे हमें टाइम ऑफ वेकअप बेटा 8 घंटे 8 hours is enough टू फॉर 1% टू स्लीप। तो हमें अगर आप अगर नाइट में आप 8 o'clock या फिर सो रहे हो तो आपको मे बी 4 o'clock इज इनफ की मॉर्निंग। अगर आप लेट सो रहे हो 12-1 बजे सो रहे हो सो फिर तो आपकी नींद वो 10 बजे खुलेगी। वेकिंग टाइम आप 6 o'clock रखो, नहीं तो फिर आप 7 रखो, उससे लेट करोगे तो हमारी जो बॉडी की जो टाइडनेस है आप वो पूरे दिन टाइट ही रहते हो, उससे क्यों रहते हो? क्योंकि आपको प्रॉपर नींद नहीं, प्रॉपर नींद अभी आएगी जब हम रात में लेते हैं उसको। जो रात की नींद होती है दैट इज नाइट स्लीप जिसे बोलते हैं, अगर वो आपके पास प्रॉपर है ना सो आप बहुत अच्छे से अपने आप को जो आपकी बॉडी को अपने काम करवा सकते हो, अपने माइंड को उससे काम करवा सकते हो। एनीथिंग एज एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो। एक मेन चीज जो मैंने बच्चों को ताइक्वांडो करवाते टाइम देखी थी वो मेन चीज ये थी कि बच्चों का जो स्टेमिना था वो बहुत कम था। वो क्यों कम था? क्योंकि वो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते थे। इवन ये नहीं कि मैम अभी ताइक्वांडो बंद हो गया हमारे स्कूल में अभी क्योंकि स्कूल नहीं खुला हुआ सो उसको थोड़ा सा भी लीव करो। घर में जो चीजें हमने करी थी आप देखते भी हो, ये डांस कर सकते हो जिसको डांस का शौक है, इवन जो इंटरेस्टेड इन दी डांस, और भी चीजें होती है नॉर्मल हमारे जंपिंग सेट्स होते हैं, ठीक है हमारे सिटअप्स होते हैं वो भी आप कर सकते हो। रनिंग एक जगह खड़े होकर अगर 5 minutes रनिंग भी करोगे ना तो वो भी हमारा क्या होगा स्टेमिना इंप्रूव करेगा, ठीक है। और हमारी सबसे एक चीज और होती है हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल बॉडी होगी तो अपने हाथ मतलब जब एक्सरसाइज करेंगे तो कुछ मूवमेंट्स होती है। हाँ बोलो मैम। हाँ प्लीज वो बता दीजिएगा खाना कब खाना चाहिए, टाइम टेबल उसका। ओके टाइम हमें 5 meals अ डे लेना चाहिए, यानी एक दिन में 5 meals हमें लेनी चाहिए। हमें अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए। आप ब्रेकफास्ट आपका फर्स्ट मील ऑफ अ डे होता है। आप पूरी 8 hours या पूरा रात आप सोकर जब मॉर्निंग उठते हैं तो पूरा उस टाइम पे आपने कुछ नहीं खाया होता, तो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, आपकी बॉडी को फ्यूल चाहिए उस बॉडी को वर्कआउट काम लेने के लिए। तो हमें सुबह का ब्रेकफास्ट एंड देन आफ्टर इन बिटवीन 10 to 11 आप छोटा सा स्नैक्स ले सकते हैं, जैसे कि हाफ बनाना या 1 apple 1 banana कोई भी फ्रूट आप ले सकते हैं। देन आफ्टर आप अपना लंच लीजिए। लंच में आप ऐसा नहीं है कि आप राइस नहीं खा सकते, आप राइस लीजिए, एक बाउल दाल लीजिए यानी एक कटोरी मीडियम दाल लीजिए, चपातीस लीजिए, उसके साथ सलाद भी लीजिए। और सर्दियां हैं इतनी इतना अच्छा गाजर आपके बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो हम एक सलाद के रूप में ले सकते हैं।
तो वो सब हम अपनी लंच में ले सकते हैं। देन आपके पास आता है इवनिंग स्नैक्स का टाइम, तो आप इवनिंग स्नैक्स में हम लोग क्या करते हैं, चाय और बिस्किट लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, उस चाय की जगह पर हम रिप्लेस कर सकते हैं ग्रीन टी ली, और साथ ही साथ हमने हैंडफुल ऑफ पीनट ले लिए। पीनट वो नहीं जो पैकेट में सॉल्टेड पीनट आते हैं, वो नहीं, जो आपको कच्ची मूंगफलियां भी मिलती है मार्केट में, आप उसको नमक से रोस्ट कर सकते हैं कढ़ाई के अंदर, और उससे आप हैंडफुल ऑफ पीनट ले सकते हैं, आप हैंडफुल ऑफ चना ले सकते हैं, या फिर आप अंकुरित चीजें ले सकते हैं। एंड देन आपका फिर आता है डिनर टाइम। डिनर टाइम आपको रात में सोने के लिए एक डिनर टाइम थोड़ा सा आप डिनर जो है वो लाइट रखें, यानी का मतलब है आप पेट भर के मत खाएं, थोड़ा सा कम खाएं, और उसके साथ आप दूध लीजिए। ये आपकी 5 मील्स हैं, और आपको किस तरह लेनी है टाइमिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। और एनी अदर क्वारी? क्योंकि फूड आपका जो काम करता है बॉडी में वो फ्यूल का काम करता है, जैसे विदाउट फ्यूल आपकी कार नहीं चल सकती, इसी तरीके से बॉडी को चलाने के लिए हमें फ्यूल की जरूरत होती है, और वो फ्यूल क्या काम है, वो फ्यूल क्या है, वो आपका खाना है, और खाना हेल्दी खाना। ओके नाउ थैंक यू बेटा, एनी अदर क्वारी अबाउट फूड अबाउट एक्सरसाइज? तो अब किसी की खरी नहीं है, कोई डाउट पूछ नहीं रहा है, तो हमें अब स्वाति मैम हमें तो आपके लिए क्वेश्चन है, अब आपका होमवर्क है वैसे तो ये, आप अपनी जो आपको लाइफस्टाइल है उसको चेंज करने के लिए आप क्या करना चाहते हो, फिजिकल एक्टिविटी? आपका ये होमवर्क है। हाँ यस, आपका ये होमवर्क है कि आप अपनी लाइफ में गुड डिसीजन के तौर पे एक्सरसाइज और हेल्दी फूड को आप लेना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि उससे आपकी क्या होगा, स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, तो आप एनर्जेटिक भी रहेंगे। सो वो चीजें हमें करनी है, और साथ ही साथ आपकी लाइफ के इयर्स आप ऐड कर रहे हैं, बट वो जो लाइफ के इयर्स है वो क्वालिटी इयर्स है, कहने का मतलब आप बीमारियों से दूर वाले हैं, आपको डॉक्टर्स के पास बार बार नहीं जाना पड़ेगा, आप थोड़ा सा दूर है बिकॉज आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, और एक्सरसाइज बेनिफिशियल तभी हो सकती है जब आप उसको इंजॉय करें, और इंजॉय करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, एक फन हो सकता है, और एक ये हेल्दी हैबिट है। रेगुलर एक्सरसाइज, एक वीक में आप अगर 5 days भी एक्सरसाइज करते हैं तो इट इज इनफ फॉर यू। राइट नाउ हमारे पास जो एक पैंडमिक का टाइम है, और हम लोगों ने जो हम बहुत दिनों तक हम अपने घरों में बंद रहे हैं, काफी हद तक हमने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, तो अब हमें थोड़ा सा और चेंज करना है, हमें अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना है, टू अडॉप्ट एक्सरसाइज एज वेल एज हेल्दी फूड, और हमें अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना है, जो लिगामेंट्स होते हैं उसमें रिस्क होते हैं, जॉइंट्स के जो रिस्क होते हैं ना वो हमें रिड्यूस करने हैं। लोअर बैक पेन सबको होता है, वो क्यों होता है, एनीवन कैन आंसर? हमारा जो बैक पेन होता है ना वो हमारे बैठे रहने से होता है, कि आप एक टाइम पे कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हो या मोबाइल होता है आपके हाथ में, वो उस वजह से होता है आपको बैक पेन। आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं रख रहे, ठीक, तो हमें अपने आप को अपनी जो मसल स्ट्रेंथ है, जो लिगामेंट्स हैं, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, उनको हमें बूस्ट करना, ठीक है। बूस्ट इन द सेंस हम कैसे कर सकते हैं, एक्सरसाइज, ठीक है। सो प्लीज आप मुझे कमेंट करेंगे कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी क्या लेना चाहते हो डेली लाइफ में, ताकि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सको। इस टाइम में कैसे चेंज कर सकते हो आप, सब घर पे
घर पे हो तो वो चेंज करने की कोशिश करो। यस ज्योति मैम। बस यही है स्वाति मैम, जो हमने क्वेश्चन पुट अप किया है तो हम चाहेंगे पेरेंट्स प्लीज उसका आंसर दीजिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ आपने कोई रिस्पांस हमें किया जो हमने आपसे पूछा था कि एक्सरसाइज जो है हमारी व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट, व्हाई इट्स टू इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। जो लाइफस्टाइल आजकल का चल रहा है उसमें हमारे लिए फिजिकल एक्टिविटी क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें मेंटली भी तो प्रिपेयर होना पड़ेगा इस टाइम के लिए। जो मेरा ब्रेन है वही स्ट्रांग नहीं है तो फिर हम अपने लाइफ में अपने प्लस कैसे कर सकते हैं, वो तो हमारा माइनस में जाएगा फिर। सो हमें लाइफ में अपने प्लस करने एज अ माइनस की।